बिहार के खगड़िया में मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को ढेर करने वाले थानाध्यक्ष आशीष सिंह शहीद, दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले थानाध्यक्ष आशीष सिंह का अपराधियों में काफी खौफ था। पिछले साल भी वो गोली लगने से जख्मी हुए थे। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ जारी, एक आतंकी मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जावेद अहमद की सोपोर में उनके घर के पास हत्या। एएमयू में आतंकी मन्नान वानी के लिए शोक सभा करने पर प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई, 72 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। एएमयू प्रशासन ने शोक सभा आयोजित करने वाले 9 आरोपी छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, 3 छात्र निलंबित किए गए। इससे पहले आतंकी मन्नान वानी की शोक सभा के दौरान कथित तौर पर एएमयू में आजादी के नारे लगाने वाला वीडियो वायरल हुआ था। आतंकी के समर्थन में लगे कथित तौर पर आजादी के नारे को लेकर योगी सरकार गंभीर, सख्त कार्रवाई की बात कही है। एएमयू के पूर्व वीसी जनरल जमीरुद्दीन की किताब पर विवाद, गुजरात दंगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। विवादित किताब पर बोले जमीरुद्दीन के साथी जस्सी मोहम्मद, कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की, 1-2 दिनों में पार्टी करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली, इसी साल छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज आखिरी दिन, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज, 10 जिलों के 151 वार्ड में डाले जाएंगे वोट। शिवसेना नेता संजय राउत और आरपीआई के रामदास आठवले ने यौन उत्पीड़न के आरोपी विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर को हटाने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एमजे अकबर को लेकर कहा, सामने आकर जवाब दे, नहीं तो माना जाएगा कि यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं वो सही हैं। जिन पर ये इल्जाम लगाया गया है मंत्री जी पर, वो आगे आकर अपना बयान दें कि ये आरोप सही हैं या गलत हैं, ताकि आप भी और समाज भी उसके किसी निर्णय पर पहुंच सके। और अगर वो जवाब नहीं देते या जवाब नहीं देना चाहते, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो व्यथा उजागर की गई है उनमें सच्चाई है, तो ऐसे में फिर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की महिला नेता लता केलकर ने एमजे अकबर के समर्थन में कहा, महिला पत्रकार इतनी मासूम नहीं होती कि उनका कोई इस्तेमाल कर सके। अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग रोक दी है, निर्देशक साजिद खान पर है यौन शोषण के आरोप। तो वहीं अभिनेता नाना पाटेकर ने भी खुद को फिल्म हाउसफुल 4 से अलग हटा दिया है। तनुश्री दत्ता ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने अलग से एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों से संवाद करेंगे, राफेल मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर सकते हैं। राफेल जी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की सफाई, कहा राहुल गांधी फर्जी खबरों के जरिए देश में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के झूठ फैलाने के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पीयूष गोयल का रेल मंत्रालय पटरी पर नहीं है और वो राफेल पर जवाब दे रहे हैं। देश में राफेल सौदे को लेकर मचे घमासान के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया फ्रांस में राफेल बनाने वाली कंपनी का दौरा। तेलुगु के मशहूर कवि गुमाड़ी विट्ठल राव से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी, 2019 में सेक्युलर मोर्चे के प्रचार की बात कही। तेलंगाना के महबूब नगर में बाल बाल बची अभिनेत्री विजया शांति, कांग्रेस के लिए प्रचार करने पहुंची विजया शांति का स्टेज टूट गया। गुजरात कांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, हिम्मतनगर के विधायक के वायरल वीडियो को लेकर निशाना साधा। गुजरात पहुंचे बिहार के सांसद पप्पू यादव भी अल्पेश के बचाव में उतरे, कहा सरकार फेल रही, जानबूझकर कराया गया ये कांड। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का आरोप, बीजेपी है उत्तर भारतीयों के दुश्मन, रूपाणी ने साजिश रची। लोकसभा उपचुनाव की रणनीति के लिए बेंगलुरु में कांग्रेस की बैठक, 3 नवंबर को 3 सीटों पर है वोटिंग।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद चुनाव में भारत जीता, 3 साल के लिए निर्वाचित हुआ। भारत को 188 वोट मिले। 28 और 29 अक्टूबर को जापान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आबे के साथ 5वीं सालाना बैठक होगी। मानवाधिकार आयोग की स्थापना के सिल्वर जुबली के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मानवाधिकार नारा नहीं संस्कार होना चाहिए। दिल्ली में 10वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन हुआ, वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। यूपी के बहराइच में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामविलास वेदांती का बयान, 6 दिसंबर से पहले शुरू होगा मंदिर निर्माण। उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले राम मंदिर के मुद्दे पर अयोध्या में संजय राउत ने संतों से चर्चा की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के बाहर रोड जाम करके एक मौलाना ने नमाज पढ़ाई, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक का पुलिस के सामने विवादित बयान, मुस्लिमों पर 1-2 घंटे लाठी बरसाएं जिससे उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। शत्रुघ्न सिन्हा बनारस से हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन के उम्मीदवार। यूपी की योगी सरकार शिवपाल पर मेहरबान है, लखनऊ में मायावती का खाली बंगला शिवपाल यादव को दिया गया। जयपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कांग्रेस पर आरोप, कहा सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारियां फैला रही है कांग्रेस। 2019 चुनाव के लिए महाराष्ट्र में गठबंधन की कोशिशें तेज हुई, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में जनता से ज्यादा टिकट लेने वालों की भीड़ दिखाई दी। मध्य प्रदेश विधानसभा टीकमगढ़ में देवी मूर्ति की स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री उमा भारती। लखनऊ में रात को सड़क पर सुरक्षा जांच के लिए निकले डीजीपी ओपी रावत, 40 मिनट तक जाम में फंसे। इलाहाबाद में कुंभ के मेले की तैयारियों के बीच यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ मेले की मार्गदर्शक समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों को 10,000 रुपए देने के ममता सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। एनआईए कोर्ट ने विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की 4 संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। राजस्थान में जानलेवा जीका वायरस के 18 और नए केसेस सामने आए हैं, अब तक राज्य में 190 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। पंजाब सरकार ने तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाई, अगले 1 साल तक लागू रहेगी पाबंदी। मांस और चमड़े के निर्यात रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा सबको शाकाहारी बनने का आदेश नहीं दे सकते। ऋषिकेश के एम्स में रखे गंगा पुत्र जीडी अग्रवाल के पार्थिव शरीर को पुलिस की निगरानी में कराएगा दर्शन, इससे पहले एम्स प्रशासन ने अनुमति देने से मना किया था। अब 4 नवंबर की जगह 18 नवंबर को होगी यूपी टीईटी की परीक्षा, 10 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। ओडिशा में तितली तूफान के गुजरने के बाद भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। ओडिशा के असिका और चिकिटी में तितली तूफान से बाढ़ जैसे हालात। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में तितली तूफान की दस्तक, एक शख्स की मौत, कई घर तबाह हुए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।